थैंक यू सो मच मिस्टर बिपिन प्रसाद अग्रवाल जी, जिन्होंने अभी आपके सामने इनकम पार्ट को बड़ा ही बेहतरीन ढंग से रखा, तो उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। रही बात मेरी, तो माई सेल्फ देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल, बाय ऑक्यूपेशन आई एम एंटरप्रेनर, इस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट 19 ईयर से वर्क कर रहा हूं। हाँ जी, 19 सालों से वर्क कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं आज की प्रेजेंटेशन की बात करूं, तो इस प्रेजेंटेशन को जैसे आप सुन रहे हो आज से ठीक 19 साल पहले मैंने भी सुना था। हाँ, अंतर इतना है कि अभी आप जो प्रेजेंटेशन सुन रहे हो लगभग सैकड़ों के भीड़ में, मैंने जब प्रेजेंटेशन सुना था हजारों हजार की भीड़ थी। तो इस प्रेजेंटेशन को सुन के मैं कैसे एडमिशन किया और आपको कैसे एडमिशन करना है उसको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन कुछ भी बातें करूं उससे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपके सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरे पापा फार्मर थे। बचपन में मैं अक्सर देखा करता था मेरे पापा सुबह उठ के और मेरे अंकल जी सुबह उठ के हल और बैल लेकर खेतों में जाते थे। आप लोग जो लोग गांव के होंगे वो लोग भली भांति जानते होंगे चूल्हा वर्ड, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बचपन में मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ चूल्हा में इतनी सारी रोटियां बनाकर उसको कपड़े से बांधती थी, उसमें नमक मिर्च प्याज और लेकर एक बड़ा सा पतीला हुआ करता था, उसको सर पे लेकर मुझे उंगली पकड़ के लेके जाया करती थी। और वहां पे एक कटहल का पेड़ हुआ करता था, उसी कटहल के पेड़ के नीचे बैठकर मेरी माँ मेरे पापा को खाना खिलाती थी। जब भी मेरी माँ मेरे पापा को खाना खिलाती थी अक्सर वो बड़ा गौर से मुझे देखती थी, तो मैं कभी कभी सवाल भी कर बैठता था कि माँ तुम मुझे इतना गौर से क्यों देखती हो। मेरी माँ बोलती थी, नहीं रे, तुम्हें मैं नहीं देख रही हूं, तुम्हारे भविष्य को देख रही हूं। मैं ये सोचती हूं कि कहीं तुम्हारा भविष्य तुम्हारे पापा जैसा ना हो जाए। तो मैं अक्सर बोला करता था, नहीं माँ, मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगा। और सच्चाई बोलता हूं, घर की स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक फार्मर फैमिली में अगर एक बच्चा रहता है तब तक पालने पोषने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसी फार्मर फैमिली में अगर चार बच्चे हो जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होने लगता है। मैं सच्चाई बोलता हूं, मेरे परिवार में जैसे ही हम लोग चार भाई बहन हुए मेरे पिताजी के ऊपर बर्डन बढ़ता चला गया। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिताजी फिर गांव को छोड़कर शहर में गए, वहां पे बोकारो नाम के, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक जगह जहां पे मेरे पापा ने वहां पे कोयले का काम करना स्टार्ट किया। लेकिन वहां पे भी जिन लोगों के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप किया था कोयले में, उन लोगों ने धोखा दे दिया, पूरा मेरे पापा का बिजनेस कोलैप्स हो गया। घर की स्थिति परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। क्लास 9th में मेरे घर में कोई दरवाजा खटखटाता था ना, तो या तो मैं खोलता था या तो मेरी माँ खोलती थी, मेरे पापा कभी भी नहीं खोलते थे क्योंकि वो कर्जदार लोग आकर दो चार बात सुना के जाते थे। तो घर की स्थिति इसी तरीके से चल रहा था। क्लास 10th जैसे तैसे पास किया, फिर रांची आया, रांची में स्टडी करने लगा, पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करने के दौरान में मुझे अभी भी याद है 2003 में मेरे पापा ने स्पेशली एक दिन मेरे को कॉल किया और बोला, बेटा तुम्हारे अलावा और तुम्हारे और तीन भाई बहन है, अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हारा खर्चा ज्यादा लग रहा है तो मैं बाकी के तीन भाई बहनों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने डायरेक्टली बोला, पापा आप मेरे बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे पढ़ाने का पैसा मत दो, पर मेरे बाकी के तीन भाई बहनों को आप पढ़ाओ। बिलीव नहीं करोगे, पापा को ये बात तो मैंने बोल दिया लेकिन रात भर नींद नहीं आया, पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि उस दिन से समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे अपनी पढ़ाई करूं, कैसे अपनी स्टडी को आगे जारी रखूं। तो मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं अपनी स्टडी भी करना स्टार्ट किया। उसके अलावा टाटा इन्फोटेक एक बोल के कंपनी थी जहां पे मैंने कुछ काम करना भी स्टार्ट किया, कुछ पैसे आते थे, अपनी स्टडी भी करता था और घर में भी पैसा भेजता था। लेकिन अगर देखने के लिए चला जाए, कहावत है ना कि ऊपर वाला अगर एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा दरवाजा जरूर खोल देता है, तो मेरे लिए स्मार्ट वैल्यू के रूप में दूसरा दरवाजा खुल गया। मेरे को अपॉर्चुनिटी जो स्मार्ट वैल्यू को मिला वो एक अजनबी इंसान के थ्रू जिसका नाम था मिस्टर विश्वजीत गुप्ता, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया। तो इस अपॉर्चुनिटी को जैसे मेरे को मिला,
मैं प्रेजेंटेशन सुनने के लिए गया, जैसे अभी आप यहां प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आए वैसे मैं भी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए गया था। आप यकीन नहीं करोगे, गलती मेरे से यही हुआ कि मैं प्रेजेंटेशन अपने 3 फ्रेंड के साथ में आनी, मेरे को मिलाकर 4 लोग, हम लोग 4 लोग प्रेजेंटेशन सुनने के लिए गए। जैसे आज आपका आईडी चेकिंग करके एंट्री कराया गया, मेरी भी आईडी चेकिंग करके एंट्री कराया गया। जब प्रेजेंटेशन में वहां पे, और सेकंड टाइम में मेरी एंट्री हुई, फर्स्ट टाइम में एंट्री नहीं हुई थी क्योंकि वहां हजारों की भीड़ थी, सेकंड टाइम में एंट्री हुई, प्रेजेंटेशन हॉल में बैठा, पूरी प्रेजेंटेशन को सुना, सुनने के बाद बाहर निकला तो मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, क्या तुम एडमिशन कर रहे हो, क्या तुम एडमिशन कर रहे हो, क्या तुम एडमिशन करो। मेरे तीनों फ्रेंड ने इनकार कर दिया। वजह यह था क्योंकि उसकी घर की कंडीशन खराब नहीं थी, लेकिन देवेंद्र प्रसाद मेरी घर की कंडीशन बहुत ही खराब थी। तो जिन्होंने मेरे को बुलाया था उन्होंने बोला, देवेंद्र जी आप जितना जल्दी हो सके एडमिशन कीजिए, अदरवाइज आप बहुत पीछे चलते चले जाओगे। तो मुझे लगा कि मुझे एडमिशन करना है तो 24 आवर्स के अंदर करना, क्योंकि मैं जब उस हॉल के बाहर गया, प्रेजेंटेशन हॉल के बाहर, तो मैंने देखा लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर फॉर्म फिलअप करके सेम डे एडमिशन कर रहे थे। कई कई लोगों ने कुछ पैसा एडवांस में भी दे दिया कि कल मैं एडमिशन करूंगा। तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी जग गया कि मुझे एडमिशन करना है, टाइम कंपाउंडिंग की बेनिफिट उठाना है, तो मुझे जल्दी एडमिशन करना होगा 24 आवर्स के अंदर। जिन्होंने मुझे बुलाया था, विश्वजीत ने बोला कि 24 घंटे के अंदर एडमिशन करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तुरंत मैं अपने पापा के पास गया, पापा से मैंने रिक्वेस्ट किया कि पापा मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, और यह आखिरी बार मांग रहा हूं, फिर जीवन में कभी पैसा नहीं मांगूंगा। मेरे पापा ने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला, बेटा घर की कंडीशन तो तुम्हें अच्छे से मालूम है, मैं कहां से पैसा लाऊंगा, लेकिन तुमने बोला है बेटा तो मैं गांव जाता हूं, जमीन बेचता हूं, फिर पैसा दूंगा। मैंने बोला, पापा ऐसे तो काफी लेट हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए पापा कि मैं जाकर तुरंत पैसा इकट्ठा कर पाऊं। मेरे पापा ने सजेशन दिया कि रिश्तेदारों के पास जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने पापा के कहने पे अपने सारे रिश्तेदारों के पास गया, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, सबके पास पैसा मांगने के लिए गया। जिनसे मैंने 500 रुपया मांगा 500 बहाने बना दिए, जिससे मैंने 1000 रुपया मांगा 1000 बहाने बना दिए। किसी ने बोला कि अभी बेटी का शादी की है, किसी ने बोला पढ़ाई के लिए अभी बेटा को बैंगलोर भेजे, किसी ने बोला कि मैं अभी पुणे में भेजा हूं। कहावत है ना, जब लोगों को पैसा नहीं देना होता है ना तो 1000 बहाने बनाते हैं। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार नहीं थे सभी ने इनकार कर दिया। लास्ट में मैं उन फ्रेंड के पास गया जो फ्रेंड दम भरते थे कि देवेंद्र तुम्हें मजबूरी में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आना। मैं अपने दोस्तों के पास जब पैसा मांगने के लिए गया कि यार कुछ पैसा दे दो, अपने 4-5 दोस्तों से बोला तो सारे दोस्त ने बोला, देवेंद्र जान बोलो तो जान दे दूंगा, पर पैसे के मामले में हाथ जोड़ता हूं। मेरे किसी दोस्त ने हेल्प नहीं किया। कसम खा के बोलता हूं, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा काला दिन था, सबसे बड़ा ब्लैक डे था, क्योंकि मैं रात को 12 बजे तक पैसा मांगते रहा, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली वाला, कोई दोस्त, कोई हेल्प नहीं किया। उस दिन समझ में आ गया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास 10 रुपया है तभी कोई बंदा आपको 5 रुपया देगा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इसको अगर पैसा दे देंगे तो वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सच्चाई बोलता हूं, रात को 12 बजे घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, मेरी मां दरवाजा भी नहीं खोली, शायद सो गई होंगी। छोटा सा खिड़की था, उस खिड़की से जब मैंने पर्दा हटाकर देखा, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में 2 चौकी हुआ करता था। एक चौकी में मेरी मां, मेरी बहन सोती थी, और एक चौकी में मैं, मेरे भाई लोग और मैं सोता था, मेरे पापा और मैं सोता था। उस दिन मेरे पापा किसी काम से बाहर निकले हुए थे, खिड़की के बाहर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, दोस्तों मैं यही सोचता रहा कि इस परिवार में अगर मैं नहीं रहूंगा और मेरे पापा नहीं रहेंगे तो इस घर में क्या ऑप्शन बचेगा। मैंने देखा मेरे घर में, मेरे परिवार में 3 ऑप्शन बचेंगे, बैगिंग, बोरोइंग या स्टेलिंग। या तो मेरा परिवार वाला किसी के सामने हाथ फैला कर भीख मांगेगा, या तो किसी के सामने कहीं पे जाकर चोरी करेगा, डकैती करेगा, नहीं तो लास्ट ऑप्शन रहेगा मेरी माँ और मेरी बहन किसी शोरूम में, किसी दुकान में जाकर झाड़ू फटका लगाएगी, या तो जाकर वहां पे पोछा लगाएगी। बिलीव नहीं करोगे, ये सोचते सोचते सुबह 4 हो गया, 4 बज गया, मेरी माँ दरवाजा खोली, घर के अंदर मैं गया, बोला माँ, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, माँ मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मेरी माँ, माँ तो माँ होती है, माँ ने अपनी सारा जमा पूंजी इकट्ठा करके 2600 रुपया मात्र हुआ था, मेरी माँ ने 2600 रुपया मेरे हाथ में रखा और बोला, बेटा ये जिंदगी भर की कमाई है मेरा बेटा, इसको बर्बाद मत करना। मैंने बोला, माँ ये जो पैसा दी हो ना, ये पैसा मैं आपको, माँ इससे मैं 100 गुना करके दूंगा।
बिलीप के साथ बोला और मां का पैर छुआ और वहां से निकल गया, कुछ पैसा मां से लिया। और एक दिलीप सर थे जो कोचिंग चलाते थे इसी रांची में कोचिंग चलाते थे, अग्रवाल कोचिंग, तो दिलीप सर के पास गया, कुछ पैसा उनसे लिया और कुछ पैसा मैंने अपना क्लास 10th का एडमिट कार्ड को गिरवी पे रख कर मैंने लिया था। यानी 3-4 लोगों से पैसा लेकर इस प्रोजेक्ट में आज से ठीक 19 साल पहले एडमिशन किया था। और आज दोस्तों नाउ मेरी जिंदगी टोटली चेंज हो गई है। आज अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी जिंदगी पूरा यू टर्न ले लिया है। जिस देवेंद्र प्रसाद को पैसा इकट्ठा करने में मेरे को पूरा 24 घंटा लग गया था, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मात्र 3-4 महीने के अंदर जिनसे पैसा लिया था उसको सूद समेत वापस कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट में आने के बाद मात्र 4 महीने के अंदर जिंदगी का हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि उसके पास एक बढ़िया मोबाइल फोन हो और एक बढ़िया सा बाइक खरीदे। मैं यहां से 4 महीने के अंदर बजाज की पल्सर गाड़ी लिया, ये मेरी जिंदगी का पहला अचीवमेंट था। दूसरा अचीवमेंट लाइफ में, मेरे खानदान में किसी ने नहीं सोचा था कि मैं 4-व्हीलर भी लूंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में मात्र 1.5 साल के अंदर यहां से अपना खुद का 4-व्हीलर टाटा के इंडिगो गाड़ी निकाला। और उससे भी बड़ा बात है कि जिस रांची में एज ए स्टूडेंट बन के लॉज में मैं रहता था 1800 रुपया में, मैं हम लोग 5 लोग रहते थे, उसी रांची में एक आलीशान मकान लिया। आज अगर उसकी कीमत देखने के लिए चला जाए तो मोर देन 80 लाख, 80 लाख से भी ज्यादा उसकी प्राइस है। प्राइम लोकेशन पे मेरा घर है रांची में। सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ चेंजिंग अगर हो पाया तो स्मार्ट वैल्यू की वजह से हो पाया, और भी बहुत कुछ कर पाया। यहाँ पे सेकेंड मैंने 4-व्हीलर लिया, मैंने इनोवा गाड़ी मैंने परचेज किया। अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर देखा जाए उस समय उसकी कीमत 16 लाख थी, आज उसकी कीमत अगर देखने के लिए चला जाए तो मोर देन 30 लाख से ज्यादा है। प्लस इसके बारे में अगर एक चीज और बोलूं तो और भी प्रॉपर्टी ले पाया, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं स्मार्ट वैल्यू में अकेला हूं। मेरे जैसा स्मार्ट वैल्यू में लाखों लोग हैं जिन लोगों ने बहुत कुछ किया। सोचना आपने, तय आपने करना, डिसीजन आपने लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप जिस जगह पे हो खुश हो तो मत एडमिशन करना। आपको लगता है कि 2-3 साल के बाद आपके परिवार में ड्रास्टिक चेंजिंग आने वाला है, मत एडमिशन करना। परंतु जिसको यह लगता है कि मेरा पिछला 2022, 2021, 2019 बहुत ही खराब गया, तो वैसे लोगों को बोलूंगा अभी स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन कीजिए। मैं गारंटी देता हूं 1-2 साल के अंदर आपका पूरी फैमिली का कंडीशन चेंज हो जाएगा। आपका तो चेंज होगा ही होगा, आपका पास जनरेशन और आपका फ्यूचर जनरेशन भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जब एडमिशन कर रहा था तो मैं 3 दोस्त मेरे साथ में थे जिन लोगों ने एडमिशन नहीं किया था, जरा उनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। अभी कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त जिन्होंने बोला था अभी एडमिशन नहीं करूंगा, तुम करो एडमिशन, उसके बाद मैं एडमिशन करूंगा तुम्हारा सक्सेस को देखकर, आज वो अपना यही रांची में ध्रुवा बोल के एक जगह है जहां पे अपने पिताजी का राशन का दुकान में बैठता है। एक दिन मैं उसके दुकान में गया, मैंने बोला यार चलना है थोड़ा चाय पिलाना, तो बोला भाई यहां पे ना 10-10 रुपया का हिसाब देना पड़ता है। उस दिन समझ में आ गया था कि देवेंद्र तुमने सही डिसीजन लेकर इस प्रोजेक्ट में आ गया। दूसरा दोस्त आज के तारीख में अपर बाजार में कितनी की नौकरी कर रहा है मालूम है? 8,000 की नौकरी कर रहा है। आज कुछ दिन पहले मेरे को कॉल किया, बोला भाई मेरी एक बेटी है जिसका एडमिशन कराना बढ़िया स्कूल में, कहां कराऊं? मैंने 2-3 स्कूल का नाम बताया, बोला फोन करके मेरे को फिर बोला यार उसकी फी तो बहुत ज्यादा है। हमने बोला यार हर स्कूल की फी इतनी है, आप बिलीव नहीं करोगे आज वो बंदा स्कूल का फी देने के लिए सोच रहा है। तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूं कि मैंने उस समय सही डिसीजन लेकर स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन किया था। और तीसरा मेरा फ्रेंड जिनको मैंने मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, मैंने बोला कि एडमिशन कर लो, वो बंदा बोला कि एडमिशन नहीं करूंगा, पहले तुम्हारा तरक्की देखूंगा। तब आप यकीन नहीं करोगे, एडमिशन करने का मात्र 1.5 साल के अंदर मैंने उस बंदे की स्थिति देखकर मैं क्या बताऊं। एक दिन मैं जैसे ही अपनी गाड़ी खरीदा था टाटा इंडिगो गाड़ी, मैं गुजर रहा था, तो जैसे गुजर रहा था जस्ट रोड किनारे एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उसको मैंने देखा। मैंने देखने के बाद उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, मैंने गाड़ी खोल के मैं उतर कर उसके पास जाने लगा। अचानक से वो मेरे को देखकर दौड़ के आ रहा है, बोला देवेंद्र तू यहां पे? हमने बोला हाँ भाई यहां पे तेरे को देखा, इस हॉस्पिटल में इसलिए आ गया। उसने बोला यार क्या बताऊं मेरे पापा की स्थिति बहुत खराब है। मैंने बोला कहां पे है? बोले इस हॉस्पिटल में। मैंने बोला यहां क्यों लेकर आया हो यार?
तुम किसी अच्छे बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाता। बोला क्या बोलू देवेंद्र, मैंने जितने रिश्तेदार थे सबसे पैसा मांगा, किसी रिश्तेदार ने मदद नहीं किया, लास्ट में पापा को मजबूरी में यहां लेकर आना पड़ा। मैंने बोला कहां है तेरे पापा, बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का मेरा कंधे पे सर रखकर 15 मिनट तक रोया। मैंने बोला रो मत यार, कहां तेरे पापा दिखाओ। मैंने देखा आईसीयू में उसके पापा एडमिट थे, बहुत स्थिति खराब था। मैंने बोला दोस्त तेरे को जो हेल्प की जरूरत है मैं मदद करता हूं। उस समय मैंने उसके पिताजी को जो भी 70-80 हजार लगभग खर्च था मैंने दिया, तुरंत मैंने अपोलो में शिफ्ट करवाया उनके पापा को, और तुरंत लगभग लगभग उसके पापा का 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता इलाज चला, ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद सबसे पहला कॉल मेरे को किए, बोला बेटा घर आ जाओ, खाना खाया। खाना खाने के बाद बोला बेटा क्या करते हो। मैंने बोला अंकल जी स्मार्ट वैल्यू बोल के एक प्रोजेक्ट है जिसमें काम करता हूं। तो बोला बेटा ये स्मार्ट वैल्यू तो सुना सुना लग रहा है। तो मेरे दोस्त ने बोला पापा याद कीजिए, हमने बोला था आपको कि मेरे को एडमिशन कराइए, देवेंद्र कर रहा है, लेकिन आप कहां एडमिशन कराए मेरे को। बोला ओ बेटा मेरे से गलती हो गया, मेरे को वो अंकल ने मेरे को बोला बेटा अभी मेरे बेटे को एडमिशन कराओ। मैंने बोला अंकल जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मेरे को कुछ पैसा जो मैंने दिया था वो मेरे को कुछ पैसा वापस किए और अपना बेटा का एडमिशन कराया। आज मेरा दोस्त काम कर रहा है, यहां से 2-व्हीलर खरीद लिया, 4-व्हीलर खरीद लिया, वास्तु विहार में अपना घर भी ले लिया, लेकिन उसके मन में एक चीज का पछतावा रहता है कि देवेंद्र काश उस दिन जिस दिन तुम एडमिशन किया था उसी दिन अगर मैं एडमिशन कर जाता तो तुम्हारे जैसा बंगला गाड़ी तो नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम तुम्हारे आसपास तो रहता। आज मेरे और उसके अचीवमेंट के बीच में या मेरे और उसके बीच में 1.5 साल का अंतर हो गया, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर गए मेरे और उसके बीच में, तो उस चीज का पछतावा उसके साथ में रहता है। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूं, आपके मन में कोई पछतावा ना रह जाए। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत कुछ दे सकता है। आज 19 सालों से मैं क्यों काम कर रहा हूं, कोई बंदा किसी कंपनी में 5 साल 4 साल 3 साल के बाद छोड़ के भाग जाता है। 19 सालों से इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि 19 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे को इनकम भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, नेम फेम भी दे रहा है, मेरे को फॉरेन ट्रिप भी दे रहा है, और आज के तारीख मेरी लाइफ स्टाइल और मेरी फैमिली का लाइफ स्टाइल टोटली चेंज कर दिया। अगर आपको लगता है कि अपने घर की स्थिति को चेंज करना है, अपना बेटर करियर बनाना है, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है, वेलकम है, नहीं तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा, जैसे मेरे दोस्त लोग आज पछता रहे हैं। वेलकम है दोस्तों। एक चीज बोलूंगा, डिसीजन 24 आवर्स के अंदर लीजिए, 24 घंटे के अंदर डिसीजन लीजिए। अगर 24 घंटे से डिले होगा तो कोई ना कोई आपका कान भर देगा। और याद रखिएगा, सजेशन देने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन तरक्की कराने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। एक छोटा सा लास्ट में बोल के मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। आज यहां से आप घर जाइएगा, घर जाने के बाद अपनी एक फैमिली फोटोग्राफ निकालिएगा जिसमें आपकी पूरी फैमिली का फोटोग्राफ होगा। मान के चलो यहां पे आप हो, ये आपके पापा है, ये आपके मम्मी पापा, पूरी फैमिली है। मान के चलो जो आपके घर में हेड ऑफ फैमिली जो इनकम कर रहे हैं, जिनसे आपकी पूरी फैमिली चल रही है, डोंट टेक ए पर्सनली। अगर उनके साथ कुछ हो गया, आपके पापा के साथ में या आपकी दीदी के साथ में, आपके बड़े भैया के साथ में, जो इनकम करके लाते हैं, हिंदुस्तान में एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि हर घर में इनकम करने वाला एक होता है, बैठ के खाने वाला 10 लोग होते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ फैमिली अगर उनके साथ कुछ हो गया तो क्या आप अपनी फैमिली को चला सकते हैं? या इस हॉल में बैठे हुए जो बंदा इनकम कर रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो क्या आपके अलावा आपके फैमिली में कोई है जो चला देगा? ठीक यही सवाल आज से 19 साल पहले एनक में खड़ा होकर मैंने जब पूछा तो मेरे को जवाब मिला था नहीं देवेंद्र, लेकिन अगर यही सवाल आज मैं अपने आप से पूछता हूं तो मेरे को मिलता है यस। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज मैं अपनी पूरी फैमिली को चला रहा हूं। आज के तारीख में अगर देखने के लिए चला जाए तो इस प्रोजेक्ट में मेरी पूरी फैमिली आज के तारीख में एडमिशन है। बिपिन प्रसाद अग्रवाल ही इज द टॉपेस्ट लीडर इन स्मार्ट वैल्यू। आज के तारीख में जितने भी मेरे घर में लगभग लगभग 5 से 6 आईडी, सब लोग काम कर रहे, सब लोग आज के तारीख में सक्सेसफुली काम कर रहे। सोचना आपको बहुत सारे लोग मेरे इस बात से नाराज हो जाएंगे कि देवेंद्र जी इतना मनहूस बात मत बोलिए। याद रखिएगा, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी जो एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में, किसी ने किसी का पापा, किसी का बेटा, किसी का पति था, एक्सीडेंट हो गया, आज उनका देहांत हो गया, आज उसकी फैमिली किस स्थिति में है कोई मीडिया वाला दिखाने के लिए नहीं जाएगा भाई साहब। इसलिए मैं बोलता हूं, आज अगर मैं इस प्रोजेक्ट में एडमिशन किया हूं तो आज मैं अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी दे रहा हूं। आज मेरे साथ में लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो लाखों लोग जब तक काम करेंगे उसके टाइम की बेनिफिट
पूरा मिलता चला जाएगा। तो सोचना आपको, तय आपको करना, डिसीजन आपने लेना है। एक डिसीजन लीजिए, इस प्रोजेक्ट में आइए, आइए हम लोग मिलकर काम करेंगे। जैसे हम सक्सेस किए, जैसे लाखों लोग सक्सेस कर रहे हैं, आप भी यहां से सक्सेस करोगे। बाहर में निकलिए, फॉर्म फिलअप कीजिए और एडमिशन कीजिए और लेट्स बिगनिंग न्यू स्टार्टअप। क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि कुछ नया स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं, इस टाइम कंपाउंडिंग का जोन में आप आइए, 100% आपको सफलता मिलेगा। इतने ही बोल के आज देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल आज का प्रेजेंटेशन क्लोज करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।